हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि होली आ रही है और सभी के घर में कुछ ना कुछ मीठा तो बनता ही है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये चाशनी वाली गुजिया की रेसिपी। गुजिया सभी को पसंद होती हैं, सभी अपने घर में बनाते हैं, तो आज मैं आप लोगों के साथ ये चाशनी वाली गुजिया की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं गुजिया। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक पैन, और पैन में मैं डाल रही हूँ 250 ग्राम मावा, यानी कि 250 ग्राम खोआ लिया है मैंने। आप चाहें तो इसे घर पर भी बना सकते हैं, वीडियो में आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। तो जो हमने 250 ग्राम मावा लिया है उसे हमें जो है रोस्ट कर लेना है, यानी कि भून लेना है। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और इसे भून लेंगे। तो जैसे जैसे मावा भुनता जाएगा वो इस तरीके से लूज़ होता जाएगा, लेकिन अभी हमें इसे जो है और भूनना है जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता। तो यहाँ पर मावा को मैंने थोड़ी देर भून लिया है और इसमें से अच्छी खुशबू आ रही है, कलर भी इसका हल्का सा चेंज हो गया है। गैस का फ्लेम हम कर देंगे ऑफ और इसे ठंडा होने देंगे, एकदम अच्छे से ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। जब तक हमारा मावा ठंडा हो रहा है हम इसके लिए डो लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने लिया है 1 कप मैदा। तो ये 1 कप मैदा हम जो है इस तरीके से इसमें डाल देंगे और इसमें डालेंगे 1 पिंच नमक। तो इससे जो गुजिया का टेस्ट है, जो मीठा वाला टेस्ट है, वो और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। अब गुजिया को जो है खस्ता बनाने के लिए मैं इसमें घी डाल रही हूँ। तो घी से गुजिया जो है अच्छी खस्ता बनती हैं, इसलिए मैं घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 चम्मच जो है घी डाला है अभी, और इसे मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से जो है मैदा में घी को हमें मिक्स कर लेना है और इस तरीके से चेक करना है। ये देखिए अभी ये अच्छे से बन नहीं रहा है, तो अभी हम इसमें जो है थोड़ा सा और घी डाल देंगे। तो ये मैं इसमें 3 चम्मच घी और डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ये अभी देख सकते हैं आप अच्छे से बाइंड हो रहा है, यानी कि इसमें जो घी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके डो लगा कर तैयार करेंगे। डो जो है हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है, बीच का डो लगा कर हमें तैयार करना है। तो ये मैंने यहाँ पर डो लगा लिया है और अभी हम इसे जो है ढक करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे, लगभग 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। और जब तक हमने डो लगाकर तैयार किया है, हमारा मावा जो है वो भी अच्छे से ठंडा हो गया है। तो स्टफिंग आपको तभी बनानी है जब मावा जो है अच्छे से ठंडा हो जाए। तो मावा ठंडा हो गया है, अब मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। तो मैं चॉप के थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू इसमें डाल दिए हैं, और ये 1/4 टीस्पून मैंने इसमें क्रश की हुई इलायची डाली है, और थोड़ा सा हम इसमें डाल रहे हैं पाउडर शुगर। तो ये सभी चीज़ें डालने के बाद इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर नहीं डाला है क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है। तो यहाँ पर हमारी स्टफिंग तैयार है, इसे कर देते हैं साइड में और अब हम चलते हैं चाशनी बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और पैन में मैं डाल रही हूँ 300 ग्राम चीनी, यानी कि 1 कप चीनी, और उससे थोड़ी सी ज़्यादा मैंने चीनी ली है इधर। और इसी के साथ हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे और अभी चीनी को घुलने देंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है और इसे पकने देते हैं जब तक कि जो चीनी है वो अच्छे से घुल नहीं जाती। तो चीनी जो है वो तो अच्छे से घुल चुकी है और अभी मैं इसमें थोड़ी सी केसर डाल रही हूँ, लेकिन अभी जो है हमें चाशनी को पकने देना है क्योंकि हमें जो है चिपचिपी कंसिस्टेंसी वाली चाशनी जो है बनाकर तैयार करनी है। तो अभी इसे पकने देते हैं। तो चाशनी को मैंने थोड़ी देर और पका लिया था, अभी हम जो है इसका तार चेक कर लेते हैं। तो थोड़ी सी चाशनी को इस तरीके से स्पून पर ठंडा कर लेंगे।
उसके बाद अपनी जो फिंगर पर जो है हमें थोड़ी सी चाशनी लेनी है और इस तरीके से चेक करना है। तो इसमें कोई भी तार नहीं आ रहा है, आधा तार, लगभग आधा तार आ रहा है और चाशनी जो है चिपचिपी हो चुकी है। तो मैंने गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया है और इसे साइड में रख देते हैं। और जो हमने डो लगाकर तैयार किया था वो इतनी देर में सेट हो चुका है। अब हम इसकी गुजिया बनाने स्टार्ट करेंगे। तो एक बार जो है डो को इस तरीके से मसल देंगे, इससे जो है डो और भी ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाता है। अब हम इसमें से छोटी छोटी जो है लोई तोड़कर तैयार करेंगे। तो जो हम पूड़ियाँ बनाते हैं उस साइज़ की हमें जो है लोई बनाकर तैयार करनी है। अब हमें जो है इस तरीके से जो हमने ये एक लोई बनाकर तैयार की है उसे बेलेंगे। तो रोलिंग पिन की मदद से हम इसको बेल लेंगे। तो जैसे हम पूरी बनाते हैं वैसे ही हमें इसे बनाना है। तो बस एक पूरी को हमें बेल लेना है। अभी इसकी शेप से हमें कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि हम इसे कट करेंगे। तो पूरी बेलने के बाद कोई भी इस तरीके का बोल ले लें और इससे इसे कट कर लें। इस तरीके से कट करने के बाद जो एक्स्ट्रा डो है उसे हटा दें। उसके बाद जो हमने स्टफिंग बनाकर तैयार की थी उसे इस तरीके से फिल करेंगे। तो एक स्पून स्टफिंग जो है हम इसमें फिल कर रहे हैं और साइड से जो है थोड़ा सा पानी लगा देंगे। इससे हमारी जो गुजिया है वो अच्छे से बंद हो जाती है और जब हम इसे डीप फ्राई करते हैं तो खुलती नहीं है, इसलिए हम पानी लगा देंगे और अच्छे से इसे जो है प्रेस कर देंगे। तो इस तरीके से इसे मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है। और अब हम इसमें जो है जो गुजिया बनाने के लिए डिज़ाइन बनाते हैं वो बनाएंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा जो है इसे दबाना है और इस तरीके से फोल्ड करना है, दबाना है और फोल्ड करना है। तो इस तरीके से हमें जो है ये सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लेनी है। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ, हल्का सा दबाना है, फोल्ड करना है, दबाना है, फोल्ड करना है। तो ये हमारी जो है एक गुजिया जो है बनकर तैयार हो गई है। और इसी तरीके से मैंने जो है यहाँ पर सारी गुजिया जो है वो बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम चलते हैं इन्हें डीप फ्राई करने के लिए। तो एक गुजिया को इस तरीके से उठाएंगे और साइड में मैंने जो है ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा जो है गर्म हो गया है। तो ऑयल हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा गर्म रहे ऑयल। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और इसमें जो है गुजिया को इस तरीके से डाल देंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए वरना जो गुजिया है वो बाहर से तो सिक जाएंगी, अंदर से जो है कच्ची रह जाती हैं। इसलिए बिल्कुल लो गैस पर हमें जो है गुजिया को डीप फ्राई करना है। तो जब ये एक साइड से सिक जाएंगी हम इन्हें पलट देंगे और दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम जो है इन्हें डीप फ्राई कर लेंगे। अभी हम इन गुजिया को पलट देते हैं और इसी तरीके से पलटते हुए दोनों तरफ से अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं गुजिया का जो कलर है अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है। दोनों तरफ से हमारी जो गुजिया हैं अच्छी डीप फ्राई हो चुकी हैं और ये अंदर तक जो है अच्छे से सिक चुकी हैं। अभी हम इन्हें बाहर निकाल देंगे। मैंने इन्हें लो फ्लेम पर ही सेका था, गैस का फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं किया था। गुजिया जो है अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है, इन्हें बाहर निकाल देंगे। और बाहर निकालने के बाद हमें जो है इन्हें तुरंत से चाशनी में डालना है। तो चाशनी मेरी जो है थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, मैंने उसे दोबारा से गर्म कर लिया था। और ये गर्म गर्म गुजिया निकालने के बाद तुरंत ही हमें गर्म चाशनी में डालनी है। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो जाए तो आप भी इसे दोबारा से गर्म कर लें। और चाशनी में गुजियाओं को हमें जब तक रहने देना है जब तक हम दूसरे वाले बैच की जो गुजिया हैं उन्हें बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो गुजिया हैं वो अच्छे से चाशनी में, चाशनी जो है इनमें अच्छे से फिल हो चुकी है। तो हम इन्हें निकाल लेते हैं बाहर।
तो एक प्लेट में गुजिया को हम बाहर निकाल देंगे। अभी आप देख सकते हैं ना कि कितनी परफेक्ट, जैसी हलवाई वाले गुजिया बनाते हैं वैसी ही हमारी गुजिया बनकर तैयार हुई हैं। ये देखिए लग रही है ना कितनी टेस्टी। और जो अब हमने दूसरे वाले बैच की गुजिया बनाकर तैयार की थी वो चाशनी में डाल देंगे। और इसी तरीके से हम जो है सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं ये गुजिया खाने में, और बिल्कुल हलवाई जैसे बनाते हैं वैसा ही टेस्ट आता है। तो आप भी सोली पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपके घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि गुजिया में जो है चाशनी अंदर तक कितने अच्छे से फिल हो गई है। ये देखिए गुजिया में जो है चाशनी अंदर तक फिल हो गई है, बहुत ही अच्छी गुजिया हमारी बनकर तैयार हुई है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर देखें, और वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।